हेलो गाइस, स्वागत है आपका केयू ट्यूटोरियल्स में। सो आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। सो यहाँ पर हमने ब्रेक वैन का जो मॉडल था इसे कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो बाकी है तो यहाँ पर सबसे पहले इसे डुप्लीकेट करेंगे। इसे मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पर शफल कर लेता हूँ, सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, मिरर में जाकर उसे मैं वाई एक्सिस में डुप्लीकेट करके यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ और शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ और इसी को एक और कॉपी बना लेंगे इसकी इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। अब छोटी जो कुछ कुछ डिटेल्स है वो हम यहाँ पर क्रिएट अप करनी है वो कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे इसे, कंट्रोल आर, सबसे पहले एडिट मोड में जाएंगे, कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर एक लुक पुट ऑन कर लेता हूँ, उसके पॉलीगन्स में जाएंगे और पॉलीगन्स में जाने के बाद उसके वर्टाइसेस में जाएंगे इस तरह से। थोड़ा आप स्ट्रेट कर सकते हो। इनसेट फेसेस करता हूँ और इस समय यहाँ से थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ, थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे इसे, स्लाइट एक्सट्रूजन आप इसके ऊपर इजीली कर सकते हो यहाँ पर। अब यहां पर जाकर जैसे और थोड़ी सी फाइन डिटेल्स अगर मुझे करनी है वो मैं कर सकता हूँ। सो एड में जाता हूँ, मैश में जाकर एक क्यूब ले लेता हूँ और एक क्यूब को मैं यहाँ से स्केल कर लेता हूँ। स्लाइटली स्केल करेंगे और स्केल करने के बाद एडिट मोड में जाकर कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, तो पॉलीगन सेलेक्ट करते हैं और इसे मैं यहाँ से स्लाइटली एक्सट्रूड कर लेता हूँ इसे इस तरह से। ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, सॉरी एडिट मोड में जाकर स्लाइट एड्स के जो भी वर्टाइसेस है वो आप सारे सेलेक्ट कर लीजिए और स्लाइटली इसे मैं थोड़ा सा पीछे पुश कर लेता हूँ। थोड़ा सा आप बाहर इसे शफल कर सकते हो। एड मैश, एक सिलेंडर ले लेता हूँ, तो यहाँ से मैं एक सिलेंडर शफल कर सकते हैं आप सिलेंडर को। तो कभी भी आप कोई भी एलिमेंट आप लेते हो यहाँ से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सिलेंडर लेता हूँ तो मैं सिलेंडर का रेडियस जो है वो यहाँ
यहाँ से इसीलिए मैं कम कर सकता हूँ। अगर आपको रेडियस यहाँ से कम करना, रेडियस कम कर लीजिए, उसके बाद आप इसे इस तरह से प्लेस कर लीजिए। सो यहाँ पर हल्का सा स्लाइड शफल कर सकते हो, थोड़ा सा अंदर अंदर की साइड, और अंदर की साइड इसे शफल करने के बाद एडिट मोड में जाकर इसके जो भी वर्टाइसेस है या फिर आप एक पॉलीगन ही इसके फेसेस सिलेक्ट कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसे मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ इस तरह से। तो इसे मैं आपको अगर एक बॉक्स लेके यूटिलाइजेशन करना है तो एक ऑब्जेक्ट मोड में जाइए, मैश में जाके एक और क्यूब ले लीजिए, एस प्रेस कर लीजिए और क्यूब में जाकर स्केल कर लीजिए। एडिट मोड में जाइए और इसे मैं यहाँ से इंसेट राइट क्लिक करके इसे ब्रिज कर सकते हैं आप फेसेस को। सो आप इजीली इसे राइट क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं इसे डिलीट कर दूं तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। ओके, सो आपने इसे सेलेक्ट ही नहीं किया था, सो दैट इज द रीजन आप इसको ब्रिज फेसेस कर सकते। अगर आपके दो फेस सिलेक्ट नहीं होंगे तो वो डेफिनेटली ब्रिज होने ही नहीं वाला। सो इसे मैं यहाँ पर शफल कर सकता। आप इसको इस तरह से प्लेस कर लीजिए। तो प्लेस करने के बाद तो यहां से आप सिलेंडर से भी कर सकते हो या फिर मैं एक लाइन टूल का भी यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। सो लाइन के लिए मैं यहाँ से कर्व ले सकता हूँ और एक बेजर कर्व ले सकता हूँ। तो आपको जिस तरह से इसके ऊपर वर्क करवाना है आप इस तरह से इसके ऊपर वर्क करवा सकते हैं। सो मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ यहाँ से। एडिट मोड में जाइए, सो वर्टाइसेस को सेलेक्ट कीजिए, ई प्रेस करिए, आप इस तरह से ई से आप इसको जो डायरेक्शन में आपको इसको पुल आउट करना है आप वो डायरेक्शन में इसको
लेके जा सकते हैं। तो इसके वर्टाइसिस भी आप इस तरह से ये एरिया में शफल कर सकते हैं। ओके, इसको आप ऑब्जेक्ट मोड में जा सकते हैं। सो डेफिनेटली इसको हम बाद में कन्वर्ट अप कर देंगे इसको थिकनेस के लिए। सो यहाँ पर जाकर एडिट मोड में जाएंगे और आपका ये जो भी पॉइंट है वो यहाँ पर रखेंगे। की प्रेस करके मैं इसको स्लाइटली ऊपर ले लूँ और ये जो पाथ रहेगा ये आपका और अब इस तरह से इसे इजीली मैनेज करवा सकते। सो यहाँ पर जाकर ऑब्जेक्ट मोड कर लेता हूँ। सो इसे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर या हैंडल को डुप्लीकेट कर लीजिए और ये हैंडल में यहाँ पर प्लेस ऑन कर लीजिए। इसके बाद सेलेक्ट करेंगे इसे, शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ और ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, मिरर में जाके वाई एक्सिस में इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। इसे यहाँ पर सो गाइज अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। So thanks for watching this tutorial.